मेरे पास कुछ ताजा इंफॉर्मेशन आई है। इंफॉर्मेशन ऐसी है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बांग्लादेश के इस वक्त किस्मत के सितारे उल्टी दशा के अंदर घूम रहे हैं। ये तो साला होना ही था। India's abrupt export ban on all varieties of onion has posed a negative impact on onion markets in Bangladesh. और पड़ोसी मुल्क भारत भी बड़े से बड़ा हथौड़ा जो है बांग्लादेश के सर पर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत बांग्लादेश से फायदा लेता है, लेकिन रहता नहीं है। प्याज तो इंडिया से आता है ना, यहाँ इंडिया से आता है। हाँ। जो भी हमारा घर में है हाँ। उस टाइम पड़ोस देता है। हमारा जो भी क्राइसिस होता है हाँ। जो भी हमारा कुछ नए नहीं मिलते हाँ। आने के लिए उस टाइम पड़ोस नहीं देता। भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगला देश बनाने की कसम खा रखी है। ये तो होगा। दुनिया के 195 ममालिक में अजल से वक्त के बूढ़े हाथों में दिन रात का खेल जारी है। अच्छा, दुनिया में एक खत्ता ऐसा भी है जहां ये आहें और सिसकियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल, वो खत्ता है फिजा का। इस तरह की हरकत की जाती है जहाँ कभी आहे सिसकियां कभी खत्म नहीं होती। आज की ताजा तरीन खबर ये है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? नहीं, कि आम पेस्टिंग शुरू हो गई है कि लोग बहुत बहुत भौंका था बांग्लादेशियों ने। देखिए सुनिए, बात यह है कि अगर बांग्लादेशी दबाव डालेंगे तो दबाव यहाँ से भी जाएगा और भारत 10 गुना ज्यादा दबाव डाल सकता है क्योंकि भारत को बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश को कुछ ज्यादा ही प्यार मिल गया अपने दादाजी से, तो बांग्लादेश भूल गया अपनी औकात। तो फिर भारत तो ठहरा उसके बाप का भी बाप, बोला बेटा चलो तुम्हें लाते हैं तुम्हारी औकात पे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी यार पता नहीं क्यों अपने बीच में टांग उछेड़ देते हैं, उनको पता नहीं क्यों आनंद आता है। पाकिस्तानी रिपोर्टर गई है पाकिस्तानी पब्लिक के बीच उनकी राय जानने के लिए कि इस सिचुएशन में बांग्लादेश को क्या करना चाहिए। चलो आनंद उठाते हैं। सब एक हुए हैं, ये कौम होती है। वो तो हो गए, लेकिन अभी इंडिया भी तो हाथ हटा रहे ना बांग्लादेश को बनाने वाला। इंडिया बांग्लादेश को चलाने वाला, इंडिया उनको फ्री वीजे दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो खत्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखें डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी, क्योंकि आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ने ही बनाया हाँ। लेकिन उनकी दोस्ती थी हसीना वाजे हसीना के साथ, वाजे जब हसीना वाजे उतरी है तो हाँ। प्रेशर तो आएगा हाँ, प्रेशर लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होना है हाँ। और अगर वो यूनिटी रखेंगे, एक कौम बनेंगे, बाकी वो भी मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान है, बन जाएगा कुछ। इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे कि एक दोस्त के खिलाफ नारा लगा दूसरा? हालांकि रशिया तो बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहा है मेरा 630 मिलियन डॉलर अर्जेंट बेसिस पे वापस। ये तो मुश्किल होगा वापस करना, लेकिन वो बात ये है कि अगर रूस और इंडिया दोस्त हैं हाँ। तो जहरी बात है दोस्त ने दोस्त के पीछे तो आना है हाँ, ठीक है, लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी वो बांग्लादेश के लिए। जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही अच्छा। थी अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया, देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज्यादा बेस्ट थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जना। यार इन जाहिलों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक भिखारी दूसरे भिखारी की बातें कर रहा हो। इनका मुल्क खुद कर्जे पर चल रहा है, दिवालिया होने के कगार पर है, दिवालिया हो चुका है, बस डिक्लेयर करना बाकी है, लेकिन बातें सुनो इनकी। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीजन ये लगती है कि इंडिया और रशिया आपस में तुम्हें पता बहुत अच्छे फ्रेंड हाँ, है और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। लोन के साथ साथ कहते हैं ना कर्ज भी और सूद समेत 6,700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने, वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए हैं। 16 कमोडिटी कल का हमारा शो था ऑलरेडी बैन हो गया है, मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गई है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं, मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश बिल्कुल कंगला देश बनने वाला है।
ठीक है, और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गया, वही हमारा जमाना आ गया वहाँ पे। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, वीजे उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या जरूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया, अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाओ, हम दोस्ती करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म भेजे, लेकिन हमने तब उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज देखो वो 5th largest इकोनॉमी बन गया और लोग वहां पर जाना अपनी ख्वाहिश मानते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री जिसे हम सुपर पावर कहते थे वो इतना ज्यादा क्राइसिस में जा रहा है, ठीक है, वहां 800 से ज्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं। लेकिन यहां पे जस्ट एक इंडिया ही ऐसी वाहिद कंट्री है जहां पे लोग आते हैं, अपने बिजनेस वगैरह ओपन करते हैं, प्रमोट करते हैं, जहां पे हर रोज महंगाई नहीं बढ़ती, मतलब कि वो कंट्री हर लेवल से तरक्की कर रहा है। एक्चुअली में तो जो है रशिया अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है, कैसे? क्योंकि बांग्लादेश का जो आपने जैसे क्वेश्चन किया है कि उनका तो बांग्लादेश कंगलादेश बनने जा रहा है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक चीज है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, हाँ, तो पाकिस्तान में तो आप बेहतर समझते हैं कि बांग्लादेश में तो फिर भी ह्यूमैनिटी है, वहाँ पे नेशन जो है वो यूनिट है, मतलब वहाँ पे ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म है। अच्छा, लेकिन है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हम यूथ हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं और अपने जो राइट्स हैं उनके लिए फिर भी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमें ये वाली चीज़ देखने में आ रही है, तो बांग्लादेश हमसे पहले भी बहुत पीछे था और आज भी बहुत पीछे है। बांग्लादेश कैसे हमसे पीछे था? हम कहते थे वो 2% का मर्द, 2% की औकात, वो टक्के हमसे बेहतर हो गए थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं देखे, जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती खत्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए, तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें आप, बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो मामलात हैं वो हमारे साथ तो कभी भी नहीं हो सकते, हमारी नेबर कंट्री के साथ कभी भी बनी भी नहीं थी शुरू से, स्टार्ट से ही, तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते कि हमें इंडिया के साथ बनी, इंडिया के साथ नहीं। इंडिया डेफिनेटली बात है कि इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जो कि जिस पर एक, जिसको कहते हैं एक बहुत ही गोल्डन हाथ था, एक गोल्डन स्पून थी बांग्लादेश के लिए। तो फॉर श्योर इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। देखें सीधी सीधी और साफ बात है, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स जस्ट बी रियल। तो इंडिया ने इस वक्त जिस तरह से ग्रूम कर लिया और जिस तरह से अपनी पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर एक हिसार बिठा दिया अपना, जिसके अंदर पंजे गाड़ दिए, तो क्या बांग्लादेश को नहीं पता कि इंडिया से पंगा लेना महंगा पड़ेगा? देखिए यही चीज़ है ना कि हम लोग जो है ना, when sentiments come to the international relations, तो इसी तरह के हाल होते हैं। हम लोगों को ऑलरेडी आइडिया था कि देखिए जब ये सारी जो सिचुएशंस हुई, प्रोटेस्ट की सिचुएशंस हुई बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारी हम लोगों ने फसादात देखे, तो इंडिया वॉज द वन जिसको आइडिया हुआ कि भाई अभी दिस इज़ द पोजिशन जब हम लोगों को इंडिया, देखिए इंडिया कभी भी आप हिस्ट्री को जो है ना वो खंगाल के देख लें, इंडिया कभी भी किसी ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं कंटिन्यू करता जिस कंट्री के अंदर उनको डेमोक्रेसी ना, एग्जैक्टली जिस कंट्री के अंदर उनको जो है वो रूल्स एंड ऑर्डर्स की जो है वो एक, वो कहते हैं ना जिसको नज़र ना आ रही हो, तो वो इंडिया खुद पीछे कदम उठा लेता है। यही वजह है आज तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो स्ट्रांग नहीं हो सके, आज तक हम लोग जो है वो एक पेज पर नहीं आ सके, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को नज़र आ रही है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की बातें कर रहा है, देखिए यही तो रीजंस हैं कि हम लोग जो है ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। बांग्लादेश को इस वक्त जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, बट सून दे विल अंडरस्टैंड। पहली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि देखिए पाकिस्तान को अगर हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान खुद इस वक्त ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है कि हम किसी और को, हम तो अभी खुद अपने वो, हमें तो खुद बैसाखियों की ज़रूरत है, तो हम किसी की बैसाखी, किसी का सहारा नहीं बन सकते। इंडिया भी अमीर, इंडिया के दोस्त भी अमीर। देखिए इंडिया जो है वो ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया के दोस्त भी अमीर, इंडिया जो है वो दूसरी कंट्री, आप अफगानिस्तान को देख ले, अफगानिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात इंडिया के हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान से जीतता है तो अफगानिस्तान इंडिया को थैंक यू बोलता है, ठीक है? आप देख ले, सॉरी अगेन क्रिकेट है सच अ बिग फैन। अच्छा वापस आ जाते हैं, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लें, आप देखें अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी अमेजिंग, ईरान के साथ, इवन ताइवान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। आप आमना, चलो मुझे पता है आमना के पास बहुत नॉलेज है और आमना
टॉपिक पे बहुत ज्यादा बोलना चाहती है। आपने मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, अगर बांग्लादेश मालदीव की तरह इंडिया से माफी मांग लेता है कि भाई आप हमारे माए बाप है, हमसे गलती होगी, माफी दे दें और हमारे साथ ट्रेड भी ओपन करें, हमें वीजाज भी दें और रशिया को भी समझाएं कि खुदारा मुल्क नाजुक हालात से गुजर है, बांग्लादेश से कर्ज और इंटरेस्ट दोनों ना मांगे और डेफिनेटली रशिया और इंडिया आपस में दोस्त है और रशिया इंडिया की बात सुनते हैं, वो तो यूक्रेन की वॉर में भी इंडिया की बात डेफिनेटली रशिया सुन रहा है, तो क्या लगता है कि फिर बांग्लादेश बच जाएगा? अच्छा, मैं आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मालदीव्स वाला। आप खुद देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट और मालदीव्स की टोटल टूरिज्म उससे इफेक्ट हो गई, ठीक है, हो गया था। एग्जैक्टली, और आप खुद देखें कि इट वाज नियर टू, आप कहेंगे कि वो दिवालिया होने वाला था, ठीक है, वो आप खुद देखें कि उसके बाद मालदीव्स को इस चीज़ पर आना पड़ा, इस पेज पर आना पड़ा कि वो इंडिया की बात माने। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, एवरीबडी नोज दैट इंडिया की जो ओपिनियन है, इंडिया की जो राय है, वो इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी वैल्यू रखती है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ है, आप यही एग्जाम्पल ले लें कि देखिए मालदीव्स को भी पहले घुटने टेकने पड़े और यही सेम चीज़ हर एक कंट्री के साथ होगी, हमें भी अक्सर जगहों पर घुटने टेकने पड़ते हैं, ये बहुत सारी मिसालें हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। यार इनके पूरी बातें सुनने के बाद मैं इतना ही कहूंगी कि लोगों को है ना दूसरों को राय देना बहुत ईजी है, जैसे ये पाकिस्तानी खातूने और ये पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं, बांग्लादेश को सॉरी बोल देना चाहिए, बांग्लादेश को ये कर देना चाहिए, इतनी राय दे रहे। भाई तुमने अपने अब्बू से कितनी बार सॉरी बोला? तुम आए दिन आतंकवादी भेजते रहते हो भारत में, कभी बोला सॉरी कि अब्बू जी हमें माफ कर दो? तो पाकिस्तानियों के लिए मेरे पास एक ही बात है कि भाई जिनके खुद के घर कांच के हो ना, बल्कि टूटे हुए कांच के, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो तुम इस लायक नहीं हो कि बांग्लादेश को राय दो, सीख दो, चलो पहले खुद तो सीख लो लाइफ में, साले गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। तो ये था आज का वीडियो, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो, गुड बाय।